तो स्वागत है फिर से आपका यूएफओ किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स दाल तड़का। मिक्स दाल तड़का के लिए हमने तीन तरह की दाल ली हैं। एक लिया है हमने आधा कप चना, आधा कप उड़द बिना छिलके वाली और 1.5 कप खड़ी मसूर की दाल। इसको बनाने के लिए हमें इसके साथ चाहिए होगा तड़के के लिए थोड़ी सी सौंफ, जीरा, खड़ा धनिया, बड़ी इलायची, लाल मिर्चा, हल्दी और 1 तेज़पत्ता। साथ में हमें चाहिए प्याज, धनिया, 1 टमाटर, 1 आधा इंच अदरक कटी हुई, 1 आधा इंच अदरक, 6 लहसुन और 2 हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर मिक्सी में इसका पेस्ट बना लीजिए आप। और ये एलन का मेरे पास 10 वेजिटेबल्स का जूस है, ये देखिए एलन का आता है ये 10 वेजिटेबल का जूस, उसको मैंने ले लिया है 1 कटोरा। इसमें हम दाल बनाएंगे। तो अब हम एक कुकर को हाई फ्लेम पे चढ़ा लेंगे। इसमें हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया है खाने वाला, जो भी आप तेल खाते हैं उस तेल को आप उसमें डाल लें। तेल जब गर्म होने लग जाए तो उसमें फिर वैसे ही 2 चम्मच शुद्ध घी डाल दीजिए तो खुशबू और स्वाद दोनों अच्छा हो जाता है। जब ये घी गल जाए इसके अंदर तब वो जो हमने खड़े मसाले लिए थे, इलायची, सौंफ, खड़ा धनिया, लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता, उसको हम इसमें गर्म तेल में डालेंगे। तो अब ये घी इसमें से गल गया है और तेल गर्म हो गया है तो ये सारे खड़े मसाले हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसको भून लेते हैं गर्म मसालों को, जो जितने खड़े मसाले डाले थे। हल्का सा जब ये भून जाए तब हम इसमें पहले सिर्फ प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे और बाकी के जो चीज़ें हैं वो बाद में डालेंगे। पहले सिर्फ प्याज को भून के उसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल के अलग कर लेंगे बाद में दाल के ऊपर गार्निशिंग करने के लिए, इसलिए हम प्याज अलग से भून रहे हैं अभी। इस मोमेंट पे हम ना नमक डालेंगे, ना हल्दी डालेंगे, ना कोई और चीज़ डालेंगे इसके अंदर। चलिए तो मसाला जो डाला था हमने वो थोड़ा हल्का हल्का भुनने लग गया, अब उसमें हम ये प्याज डाल के भून लेते हैं। प्याज ब्राउन होने तक हम भूनेंगे और फिर उसमें से 1 चम्मच के करीब हम प्याज निकाल लेंगे वापस बाहर, ताकि उसको जब पूरी दाल बन जाएगी उसके बाद गार्निश करेंगे उसे। अच्छा, ये ऑलमोस्ट डन हो गया। देखिए थोड़ा थोड़ा गुलाबी होने लग गया है, बस 1-2 मिनट और इसको करके अपन और फिर थोड़ा सा 1 चम्मच इसमें से निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो ये देखिए प्याज फर्स्ट क्लास 1 चम्मच हम निकाल लेते हैं इसमें से और इसको आगे चल के जब दाल बन जाएगी उसमें गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। तो उस समय गार्निशिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ये प्याज और ये धनिया कटी हुई और थोड़ी सी अदरक कटी हुई। तो अब इसमें ये जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन, अदरक और मिर्चे का, उसको डाल के इसको भून लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए लहसुन भी भून गया पूरे से और अब हम इसके अंदर ये जो टमाटर है वो डाल देंगे और थोड़ा सा बस 2 मिनट इसको चला के, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। हाँ, तो अभी अपना टमाटर हो गया है, उसको बस उतना सा करना रहता है कि ताकि वो टुकड़े टुकड़े ना रह जाए और बाद में जब हम इसको दाल के साथ उबालेंगे तो वैसे भी वो उबल के पिस जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भून लेने में ठीक रहता है। अब इसके ऊपर हम ये दाल थी उन तीनों दालों को मिला के मैंने धो लिया था उसको, अब वो धोई हुई दाल इसमें हम डाल देते हैं। तो अब ये दाल मैंने मिला दी उसमें, उसके ऊपर से ये हल्दी और नमक डाल दिया और उसमें ये जो 10 वेजिटेबल वाला आयरन का जूस था या V8 आपके पास हो V8 डाल लें और या फिर टमाटर पीस के उसका जूस बना के डाल लें वो डाल देंगे और फिर उसके ऊपर से हम पानी अंदाज से मिलाएंगे जिसमें कि दाल डूब जाए और उसके ऊपर से करीब 2 उंगली और पानी तैरता रहे, इतना करीब कर लें। तो जितनी दाल मैंने डाली थी उसके हिसाब से 1 जार करीब पानी डाल चुका हूँ और 1 जार और डालने जा रहा हूँ कि दाल पूरी तरह से डूबी रहे और थोड़ा सा
नापे तो एक उंगली दो उंगली ऊपर रहे पानी। और ये दाल बन रही है रफली 10 लोगों के लिए बन रही है, तो आप अपने हिसाब से अंदाज लगा लें, अगर दो लोग खाने वाले हैं तो उतना कम कर लें उसको उसी प्रपोर्शन में। ये दाल करीब 10 लोगों के लिए है। अब हम इसको कुकर को ढककर बंद कर देंगे और 3 सीटी पेपर खोल के इसको फिर गार्निश करेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखें कि इसको दाल को चढ़ाने के पहले, बंद करने के पहले थोड़ा सा इसमें से पानी लेके और टेस्ट करके देख लें कि नमक ठीक है कि नहीं, अगर कम है तो उसमें और डाल लीजिए नमक। तो एकदम फर्स्ट क्लास नमक है। अब हम इसको बंद करके 3 सीटी के लिए चढ़ा देते हैं। तो ये 3 सीटी हो गई है। अब हम इसको बंद कर देंगे और फिर इसको गैस पे ही रखे रहने देंगे। अभी इसको हम एकदम से स्टीम ख़त्म करके इसको खोलेंगे नहीं, कुछ देर इसको ऐसे ही पड़े रहने देंगे। जब हम खोल के देखेंगे अगर दाल ज़्यादा गाढ़ी हो गई होगी तो फिर हम उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला के उसको फिर थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जितना गाढ़ापन चाहिए उतना ही आप लें। और एक चीज़ ध्यान रखें, जिनको हींग पसंद हो, क्योंकि बहुत से लोग हींग नहीं खाते हैं, हींग पसंद हो शुरू में जब आप तड़का लगा रहे थे इसका, उसमें थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं, तो उससे एक तो दाल गैस नहीं बनाती और बाद में स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है, इसका खुशबू भी अच्छी रहती है। चलिए देख लेते हैं इसको खोल के। तो चलिए अब हमने दाल ये खोल ली है कुकर में से और फर्स्ट क्लास दाल बन गई। अब इसमें हम ये जो अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काटे थे हमने रखे हुए थे बचा के, उसको डाल देंगे और उसके ऊपर से ये धनिया डाल के मिला देंगे और फिर इसको डिश आउट करते हैं। प्याज अभी भी हम बचा के रखते हैं जो हमने भुना था प्याज को, तो इसको इसमें डाल के और फिर ये दाल को हमने मिक्स कर लिया। तो ये हमने डिश आउट कर लिया इसमें। अब इसके ऊपर ये जो हमने प्याज डाला था भुना हुआ रखा था, इसको इसके ऊपर इसे डाल के और इसे सजा देंगे, इसको फर्स्ट क्लास गार्निशिंग हो जाएगी ये देखिए। और इसके बाद इसको बस नीचे नीचे से फैलाने के लिए चला देंगे थोड़ा सा, इसको ऐसे फैला दीजिए चाहे तो फर्स्ट क्लास। और इसमें एक चम्मच ऊपर से बटर डाल देते हैं थोड़ा सा एक टुकड़ा। और ये हमारी तैयार हो गई मिक्स दाल तड़का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बना के देखिए खाइए, बहुत मज़ा आएगा, मज़ेदार दाल। और खाने के लिए UFO की मिक्स दाल तड़का, बच्चा हो बूढ़ा हो या जवान सबका दिल धड़का।